हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रोहित गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल ट्रैक कॉम्पिटिशंस। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू रिक्रूटमेंट की, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। एचक्यू साउथर्न कमांड की तरफ से इंडियन आर्मी की वैकेंसी है, जो कि मिलिट्री हॉस्पिटल चेन्नई में निकली हुई है। हम बात करेंगे इस वैकेंसी के बारे में, जो कि किस पोस्ट पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। एक तो है आपकी वॉशरमैन की पोस्ट रहने वाली है, जिसमें आपको नॉलेज वगैरह है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो हमारी नेक्स्ट पोस्ट रहने वाली है वो है ट्रेड्समैन मेट की, जिसमें आपको 10th पास मांगा गया। और आपको इसके आवेदन कैसे करने पड़ेंगे, ऑफलाइन माध्यम से करने पड़ेंगे। जितने भी 10वीं पास कैंडिडेट हैं इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। हम बात करेंगे दोनों वैकेंसी के बारे में डिटेल में, तो आपको वीडियो को क्या करना है एंड तक ज़रूर देखना है, ताकि आपको सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। किसी भी इन्फॉर्मेशन से आप वंचित ना रहो, तो आपको वीडियो कंप्लीट देखनी है। आपको इसकी डिटेल, आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी इस वीडियो में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जो हमारा चैनल है, आपको ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन समय समय पर आता रहता है। किसी भी अपडेट से मिस ना हो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाना है। आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। और आपको क्या करना है, इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की अगर आपको PDF नहीं मिली तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दे रखा है। वहाँ पर इसके एप्लीकेशन फॉर्म की PDF मिल जाएगी। और आपको इसका अप्लाई प्रोसेस कवर करने में कोई परेशानी समस्या हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो हम इसका अप्लाई प्रोसेस में लाने वाले हैं, क्योंकि आपको ऑफलाइन फॉर्म सेंड करना पड़ता है, ताकि काफ़ी कैंडिडेट जो होते हैं वो गलती करते हैं फॉर्म फिलअप करने में। तो आप हमारे वीडियो को देखना और आप कोई भी गलती मत करना। नाउ हम बात करते हैं जैसे कि अपनी मेन पोस्ट के बारे में, जो कि है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट HQ साउथर्न कमांड की। जैसा कि आप देख सकते हो, इस तरीके से आपकी ये पोस्ट रहने वाली है। ये HQ साउथर्न कमांड ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है। किस पोस्ट पर, मैंने आपको पहले ही बताया था, वॉशरमैन एंड ट्रेड्समैन मेट की। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक चीज़ मैं बता देता हूँ, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है सिविलियन ग्रुप सी HQ साउथर्न कमांड की ये पोस्ट रहने वाली है, जिसमें आपको 10th पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और आपको ऑफलाइन फॉर्म सेंड करने पड़ेंगे। कब से स्टार्ट डेट कब है इसकी, स्टार्ट डेट आपको 11 जून से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट की हम बात करें तो आपको टोटल 45 डेज का समय मिलने वाला है, तो आप इसके लिए ज़रूर आवेदन कर सकते हैं। एंड बात करते हैं अपनी मेन कौन कौन सी पोस्ट है। जैसे कि आपको देखने को मिलेगी वॉशरमैन की पोस्ट है, जिसमें 39 पोस्ट पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें जनरल के लिए 19 पोस्ट हैं, SC के लिए 4 पोस्ट हैं, ST के लिए 3 हैं, OBC के लिए 7 पोस्ट हैं, EWS के लिए 6 एंड एक्स सर्विस मैन के लिए 8 पोस्ट है। फिजिकल हैंडीकैप के लिए 1 है। लेवल 1 की आपकी जॉब रहने वाली है, सैलरी मिलने वाली है। 18 से 25 साल एज लिमिट है आपकी। और इसमें क्वालिफिकेशंस की हम बात करें तो आप 10th पास के साथ साथ आपको नॉलेज वगैरह होनी चाहिए कि आपको मिलिट्री क्लॉज एंड सिविलियन क्लॉज कैसे दिए जाते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है जो हमारे ट्रेड्समैन मेट की, जिसमें आपको 26 पोस्ट पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। जनरल की हम बात करें तो 20 पोस्ट एंड SC की 1 पोस्ट और OBC की 4 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी और EWS की 1 पोस्ट, एक्स सर्विस मैन के लिए 3 पोस्ट है और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 2 पोस्ट पर आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसमें जो आपकी लेवल मिलने वाला है सैलरी का, लेवल 1 की सैलरी रहने वाली है चेन्नई के हिसाब से। एज लिमिट की हम बात करें तो 18 से 25 साल आपकी एज लिमिट रहने वाली है। 10th पास आप कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको ऑफलाइन आवेदन देने पड़ेगा। डिजायरेबल में आपका एक्सपीरियंस वगैरह मांगा गया है 1 साल का। डिजायरेबल में क्या होता है, कंपलसरी नहीं होता, बाकी आप पे है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई नहीं। 10वीं पास भी हो तो आप इसके लिए ज़रूर आवेदन कर सकते हो। काफ़ी अच्छी पोस्ट पर आप वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना। मैंने आपको बता दिया 11 जून से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 45 दिन का आपको समय मिलने वाला है। आपको इस पे 100 रुपये की फ़ीस पेमेंट लगने वाली है, जो कि आपको डिमांड ड्राफ्ट निकलवाना पड़ेगा इस के हॉस्पिटल के नाम पे। 100 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट निकलवाना पड़ेगा और ये आपको एड्रेस देना दिख रहा होगा, इस पर आपको सेंड कर देना होगा एनवेलप पे सारे डॉक्यूमेंट्स। एप्लीकेशन फॉर्म की PDF नहीं मिली तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, आपको ज़रूर मिलेगी इसकी PDF। एंड कोई भी परेशानी समस्या हो तो आप पूछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है एंड कमेंट में भी आप पूछ सकते हो। एंड वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।